नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। शिक्षक बहाली पर पटना हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। अब एक ही प्लेटफॉर्म से मरीजों की परेशानी होगी दूर। सीटीईटी परीक्षा में बैठने की क्षमता से दोगुने परीक्षार्थी। बीसीसीआई सेलेक्टर पदों के लिए इन बड़े नामों ने किया आवेदन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक बहाली पर पटना हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। 15 सितंबर को राज्य सरकार की अपील के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा याचिका कर सुनवाई करते हुए राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली को लेकर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब बीते दिन सोमवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए इस पर से रोक हटा दी गई है। लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला स्कूल शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि वे सभी उम्मीदवार जिनका बीएसआईटीईटी का परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया था, वे सभी बीएड नियुक्त के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री के पात्र होंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। आज शाम 4:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान कई एजेंडों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि यह बैठक एक सप्ताह पहले ही होने वाली थी, लेकिन मंत्रियों की व्यस्तता के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आज होने वाली इस बैठक में इस पर नजर रहेगी कि सरकार की ओर से नौकरी को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। इसके साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब एक ही प्लेटफॉर्म से मरीजों की परेशानी होगी दूर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई एप्स लॉन्च किए जाते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग इन सभी एप्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जाएगा। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत केवल 2 जिलों में ही की जा रही है, जिसकी शुरुआत 23 मार्च से पहले कर दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटाइजेशन मोबाइल ऐप नाम है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से लॉन्च किए सारे एप्स मौजूद होंगे और साथ ही इस पर मरीजों से जुड़ी भी सारी जानकारी शामिल होगी। निजी निर्माण से सेस वसूलने के लिए बना धावा दल। श्रम संसाधन विभाग की ओर से राज्य में बन रहे निजी निर्माण से सेस वसूलने के लिए एक दल का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि इस दल का नाम धावा दल रखा गया है। यह निर्णय विभाग के द्वारा इसलिए लिया गया है ताकि मजदूरों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको गति प्रदान किया जा सके। बताते चले कि निजी दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को विभाग के नियम के अनुसार 10 लाख से अधिक के निर्माण पर 1% लेबर सेस निर्माणकर्ता को देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसी को देखते हुए विभाग के द्वारा सभी जिलों में धावा दल का निर्माण किया गया है। हालांकि यह अभियान कब शुरू किए जाएंगे इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानिए पटना में किन जगहों पर मिलेगा 5G की हाई स्पीड इंटरनेट। अब पटना में 5G की सेवा शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस सेवा की शुरुआत एयरटेल के द्वारा बीते दिन सोमवार को की गई है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि 5G सक्षम डिवाइस चलाने वाले लोग अभी कुछ समय तक कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा, जब तक कि रोल आउट पूरा ना हो जाए। बताते चले कि फिलहाल पटना में जिन स्थानों पर 5G की सेवा की शुरुआत की गई है उसमें रेलवे स्टेशन, डाक बंगला, पटना साहिब गुरुद्वारा, बेली रोड, बोरिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया समेत कई जगह शामिल है जहां 5G इंटरनेट की सेवा बड़ी ही आसानी से उठाई जा सकती है। वहीं एयरटेल 4G सिम 5G इनेबिलिटी सिम वाले लोग को इस सेवा का फायदा उठाने के लिए फिलहाल दूसरी सिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार का भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी निकला करोड़पति। निगरानी टीम के द्वारा बिहार के बक्सर जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के घर कार्रवाई की गई, जिसके तहत उनके पास करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा अचल संपत्ति मिली है। इन अचल संपत्ति में 18 संपत्तियां ऐसे हैं जिन्हें सारण और वैशाली जिले में खरीदी की गई है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सारी संपत्तियां उनके नाम पर न होकर उनकी पत्नी के नाम पर है। दरअसल कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर केस दर्ज की गई थी, जिसके बाद निगरानी टीम के द्वारा उनके घर पर छापेमारी की गई, जिसके बाद निगरानी टीम द्वारा उनके खिलाफ करीब 90,19,483 रुपए से अधिक की FIR दर्ज की गई है।
सीटीईटी परीक्षा में बैठने की क्षमता से दोगुने परीक्षार्थी। सीबीएसई के द्वारा ली जाने वाली सीटीईटी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए अंतिम तारीख 3 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार होने वाली सीटीईटी परीक्षा में राज्य के कुल 486,432 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं इसके लिए सीबीएसई के द्वारा कई सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें पटना, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है। बताते चले कि यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल अभी तक इस परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। वहीं अगर एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा के एक सप्ताह पहले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। पटना पुणे स्पेशल ट्रेन अब 29 जनवरी तक चलाई जाएगी। यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए रेलवे के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना से पुरी जाने वाली स्पेशल ट्रेन को अब 29 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन के परिचालन में भी रेलवे के द्वारा वृद्धि कर दी गई है। बीते दिन सोमवार को पुमेर के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि पटना पुरी स्पेशल ट्रेन अब 9 फेरे लगाएगी, तो वहीं भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन अब 14 फेरे लगाएगी। बताते चले कि पटना पुरी स्पेशल ट्रेन 2 है, जिनमें से गाड़ी संख्या 0840 पटना पुरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 4 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हर रविवार किया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या 08439 पुरी पटना स्पेशल ट्रेन पुरी से 3 दिसंबर से 28 जनवरी तक हर शनिवार को चलेगी। पंचायत सरकार भवन बनाने को मिली राशि खर्च करने में जिला उदासीन। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु दी जाने वाली राशि का उपयोग करने में कई जिले उदासीन हैं। तो इसके साथ ही 15वीं आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि को खर्च करने में भी राज्य के कई जिले फिसड्डी हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु दी जाने वाली राशि का उपयोग करने में जो जिले उदासीन है उनमें गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिला शामिल है। जिसके बाद प्रधान सचिव के द्वारा इन सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सरकार के द्वारा दी गई राशि का उपयोग किया जाए। महिलाओं पर टिप्पणी कर फंसे बाबा रामदेव। कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव के द्वारा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उनके इसी टिप्पणी को लेकर बीते दिन सोमवार को पक्की सराय चौक निवासी एम राजू नैयर के द्वारा बाबा रामदेव के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज किया गया है। बताते चले कि बाबा रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणी दी है वो भारतीय संस्कृति और महिलाओं का अपमान है। इस मामले पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट के द्वारा 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। हालांकि अपने इस टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव के द्वारा माफी मांगी गई है और साथ ही उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। महागठबंधन सरकार में किस मंत्री के पास है कितनी संपत्ति। राज्य सरकार के द्वारा नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार में किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा मांगा गया है। इसके लिए नीतीश कुमार के सभी मंत्रियों के पास पत्र भेज दिया गया है, जिनमें उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कई सालों से मंत्रियों का ब्यौरा लिया जा रहा है। इसके साथ ही इनके संपत्ति का ब्यौरा कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत सभी मंत्रियों के द्वारा अपना, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से जुड़े सभी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है। लालू यादव की किडनी इस दिन होगी ट्रांसप्लांट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख सामने आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव की किडनी का प्रत्यारोपण 5 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन इससे पहले उनका चिकित्सीय जांच भी हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव अपने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बीते शुक्रवार को सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। इस दौरान उनके साथ सिंगापुर जाने वाली में उनकी बेटी मिशा भारती, उनके पति शैलेश कुमार और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी शामिल है। बताते चले कि लालू यादव को किडनी उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम इतिहास में हो रहा दर्ज। गया और बोधगया में जलापूर्ति के लोकार्पण में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का काम इतिहास में दर्ज हो रहा है। उन्होंने फल्गु नदी को माता सीता के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब जब भी लोग इस फल्गु नदी को देखेंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री का काम याद आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जंगल राज का आलाप कर रहे हैं। क्या नियुक्ति पत्र देना जंगल राज है? उन्होंने दिल्ली की केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं पर कुछ करते नहीं, लेकिन नीतीश कुमार काम करने में विश्वास रखते हैं। बीसीसीआई सेलेक्टर पदों के लिए इन बड़े नामों ने किया आवेदन।
टी20 वर्ल्ड कप में मिली नाकामी के बाद बीसीसीआई के द्वारा पूरी सिलेक्शन समिति को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि कौन सा नया चेहरा आगे की रणनीतियों को सही से लागू करने के लिए टीम चुनेगा। बता दें कि इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर तक निर्धारित की गई थी, जिसके लिए कई बड़े नामों के द्वारा आवेदन दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पद के लिए जिन बड़े लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है उनमें नयन मोंगिया, मनिंदर सिंह, शिव सुंदर दास और अजय रात्रा जैसे नाम शामिल है। इनके चयन के लिए बीसीसीआई के द्वारा एक समिति की नियुक्ति की जाएगी जो इनका इंटरव्यू करेंगे और उनका चयन करेंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल की कीमत 107.80 रुपए और डीजल की कीमत 94.56 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल 94.75 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.71 रुपए और डीजल 95.39 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.68 रुपए और डीजल की कीमत 95.36 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.85 रुपए और डीजल की कीमत 95.55 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां मंगलवार को पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आर रंजन, कुश कुमार यादव, नुन्नू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, कविता कुमारी, कुलदीप कुमार, के सिन्हा, रंजीत कुमार ठाकुर, सुनील कुमार, राजकुमार प्रसाद, सिमरन रानी, रंजीत मिश्रा, भान प्रकाश मौर्य, सुशील कुमार, मोहम्मद नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार 5G की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू होने से लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए ताई, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।